हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने स्टैटिक जीके के लेक्चर में। तो सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए सेशन के अंदर, बस सेशन को मिलकर एक बारी सभी लोग यहाँ पर सेशन को शेयर भी कर देना है ना। फटाफट से जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं वो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। सारी चीज़ें क्लियर है, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर तरीके से क्लियर है कि नहीं। सारी चीज़ें क्लियर है तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस लेक्चर की, जो कि रहने वाला है आज का आपके स्टैटिक जीके का एक बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा शानदार लेक्चर। ठीक है, तो सभी बच्चे आ जाओ सेशन के अंदर, उसके बाद हम यहाँ पर अपने सेशन को स्टार्ट कर देंगे। जितने ही बच्चे हैं मिलकर तो एक बारी सभी लोग सेशन को शेयर कर दो। मैं भी अपने फोन में सेशन को शेयर कर देती हूँ और आप लोग भी यहाँ पर सेशन को शेयर कर दीजिए, फिर चलेंगे यहाँ पर हम सेशन को स्टार्ट कर देंगे। वेरी गुड इवनिंग पूजा करण, वेरी गुड इवनिंग लक्ष्मी आ चुकी है सेशन में, पूजा मिश्रा, सचिन यादव, जितने भी बच्चे हैं सभी को वेरी गुड इवनिंग है। दीक्षा वेरी गुड इवनिंग, आकांक्षा, एक बारी सभी लोग आ जाइए और मिलके आप सभी लोग यहाँ पर सेशन को लाइक और शेयर भी कर देना। इस क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, उस क्वेश्चन को पढ़ेगा और फटाफट से क्वेश्चन का मुझे सही जवाब देते रहेगा। हाँ, वेरी गुड इवनिंग अंबुज, सचिन है, लक्ष्मी है, क्लियर है सारी चीज़ें। अगर सारी चीज़ें आपको क्लियर है तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस बेसिक टू एडवांस लेवल की मॉक टेस्ट की, जो कि आपके रहने वाला है यहाँ पर स्टैटिक जीके का मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस क्वेश्चन को पढ़ के आप सभी लोग मुझे फटाफट से जवाब दीजिएगा क्या हो जाता है। डिम्सा इज एन ऑफिशियल फोक डांस ऑफ विच स्टेट। पहला ही क्वेश्चन मैंने आप सभी से किससे ले लिया है, लोक गीत से लिया है। किससे लिया है, यहां पर लोक नृत्य से जो है यहां पर पहला ही क्वेश्चन लिया है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे काफी बार पूछे जाएंगे। डिम्सा किस राज्य का आधारिक लोक नृत्य है, तो बताएगा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या फिर कर्नाटका का जो है लोक नृत्य हो जाता है, बताएगा। जल्दी जल्दी से आंसर कर दो अगर हम डिम्सा की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करें, अगर हम यहां पर डिम्सा की बात करते हैं तो यह किसके द्वारा किया जाता है, ये महिलाओं के द्वारा। किसके द्वारा, ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है दोस्तों। लेकिन यह किस जो है किस भारत के किस हिस्से में आता है, तो ये दक्षिण भारत में आ जाता है, दक्षिण भारत में आता है। तो आपको याद रखना है ये किस आपके प्रदेश में आएगा, ये आपके आंध्र प्रदेश में आ जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। हाँ, सभी को राधे राधे है, आंसर मुझे सभी लोग दे दीजिएगा। अगर मैं बात करती हूँ किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो ये जो डांस है किसके द्वारा किया जाता है, ये एक जनजाति नृत्य है, यानी कि जनजाति यानी कि आदिवासी लोगों के द्वारा ये किया जाता है दोस्तों। और अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं किसकी, कौन सी जनजाति के द्वारा, तो पूर्जा जनजाति। किसकी, पूर्जा जनजाति के द्वारा जो है इसको किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ेगा। नेक्स्ट है आप सभी के सामने बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, आंसर देना। वेरी गुड इवनिंग कविता, सीमा, रेणु, देखो Who wrote the book? A Passage to India. A Passage to India book किसके द्वारा लिखी गई है, अनीता देसाई, खुशवंत सिंह, मार्क ट्वेन या फिर E.M. Forster के द्वारा लिखी गई। देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से सुनना मेरी बात, आपसे देखो दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक पूछा जाता है क्या, एक आपसे पूछा जाता है A Passage to India किसके द्वारा लिखी गई, ठीक है, ये एक पुस्तक का नाम है। और एक क्वेश्चन और आता है, कहता है सिर्फ Passage to India किसके द्वारा लिखी गई, क्योंकि दो बुक्स थी और दोनों का नाम एक जैसा था, सिर्फ एक के सामने ए लगा हुआ था। तो इन दो तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा, बताएगा सही जवाब क्या हो जाता है, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जब भी आपसे कहेगा अ पैसेज ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो आपके E.M. Forster के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा, E.M. Forster के द्वारा यहां पर दोस्तों लिखी गई थी, जिसको आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, पैसेज टू इंडिया सिर्फ पैसेज आपसे पूछता है, तो वह किसने लिखी, वो आपके वॉल्ट हिटमैन के द्वारा लिखी गई। ठीक है, किसके, वर्ल्ड हिटमैन के द्वारा लिखी गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। एक बारी सभी लोग मिलकर सेशन को लाइक और शेयर कर दो फटाफट से। हाँ, जल्दी से जितने ही बच्चे हैं फटाफट से यहाँ पर आप सभी लोग सेशन को मिलके लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दो और यहाँ पर आंसर बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 400 मीटर इंडियन रनर प्राची चौधरी इज फ्रॉम विच स्टेट, कह रहा है 400 मीटर दूरी की भारतीय धावक प्राची चौधरी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से या फिर ये मध्य प्रदेश से जो है संबंधित हो जाती है, फटाफट से बताएगा सही जवाब क्या हो जाता है। सिर्फ यहाँ पर क्लास पे फोकस करिए, मैच तो आपके
आते जाते रहेंगे, ठीक है। हाँ, सभी लोग मिलके सेशन को लाइक कर दीजिएगा। आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, फटाफट से याद रखेगा, ये जो 400 मीटर दौड़ थी, ठीक है, 400 मीटर दौड़ में को जो कि आपकी भारतीय धावक कौन है, प्राची चौधरी, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, प्राची चौधरी की जब हम बात करते दोस्तों, तो ये कहां से संबंधित हो जाती है, ये आपके उत्तर प्रदेश से, कहां पर, ये आपके उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कहां, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में रहने वाली थी, कहां पर, मेरठ में यह रहने वाली थी, जिनको ड्रग्स वगैरह के इस्तेमाल करने की वजह से, कुछ ऐसे एलिमेंट्स का इस्तेमाल करने की वजह से इनको क्या कर दिया गया था, अस्थायी रूप से, ठीक है, याद रखेगा, क्या अस्थायी रूप से जो है इनके ऊपर बैन लगाया गया था कुछ समय के लिए। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। वेरी गुड इवनिंग खुशबू, नीरज, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को वेरी गुड इवनिंग है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फर्स्ट T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। लो भाई, मैच का क्वेश्चन आपके सामने आ गया, कह रहा है आपसे क्या कि पहला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता, वेस्ट इंडीज ने, भारत ने, ऑस्ट्रेलिया ने, या फिर न्यूजीलैंड ने यहाँ पर पहला T20 वर्ल्ड कप जो है जीता था। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर आपके सामने क्या हो जाता है, फटाफट से बताओ। अगर मैं बात करती हूँ प्रथम, ठीक है, लिख लेना सभी लोग, फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप की जब हम बात करते हैं तो इसकी मेजबानी जो है किसके द्वारा करी गई थी दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा, आपको याद भी होगा, ये आपके दक्षिण अफ्रीका के द्वारा जो है इसकी मेजबानी करी गई थी, ठीक है। यहां पर जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था तो हमारे भारतीय टीम के कप्तान कौन थे, आपके MS धोनी, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी जो है यहां पर कौन हो जाते हैं, उस समय हमारे भारतीय टीम के कप्तान थे। इन्होंने 5 रनों से जो है हराया था। तो आंसर क्या हो गया, इंडिया आपके सामने बिल्कुल सही जवाब है, भारत जो है यहां पर T20 वर्ल्ड कप का विनर बना था। बहुत बढ़िया, आंसर सही हो गया आपके सामने, भारत हो जाता है क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखना, नवंबर 2020 में मध्य प्रदेश के डैश राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को संरक्षित जैव मंडल, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व को घोषित किया गया। बताएगा, मंडला प्लांट फॉसिल्स को बनाया गया, पन्ना को, सतपुड़ा को, या फिर पेंच को बनाया गया है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पर मध्य प्रदेश से कह रहा है, मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको क्या बनाया गया है, यहां पर एक नेशनल पार्क को क्या बना दिया गया, एक बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है आपके सामने क्या हो जाता है, और भाई मिलके सेशन को यहाँ पर आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। आंसर क्या हो गया, बहुत बढ़िया, महिमा है, लक्ष्मी है, दयब है, आंसर दीजिएगा यहाँ पर सही जवाब आपके सामने क्या हो जाता है। तो आपको याद रखना है पन्ना को बनाया गया, किसको, पन्ना को बनाया, पन्ना क्या है आपका, ये एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है, क्या है, ये एक राष्ट्रीय उद्यान है। और आपको ये चीज भी याद रखनी है, क्या, MP में जो आपका पन्ना नामक स्थान है, ठीक है, पन्ना नामक स्थान है, ये पहला ऐसी जगह है जहां पर डायमंड का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है दोस्तों, यहां पर पहला ऐसा स्थान है जहां पर डायमंड का प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन जो है करते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। वेरी गुड, हाँ, महिमा, रीनू, करण, सभी का आंसर यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेगा, विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधन को हम क्या कहते हैं, बेदीमीटर कहते हैं, क्रायोमीटर, एरोमीटर, या फिर साइमोमीटर कहा जाता है। आपसे कह रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी को जो है किसके द्वारा नापा जाता है, ठीक है, तो आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का भी सही जवाब आपके सामने क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को दोस्तों किसके द्वारा नापते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एरोमीटर के द्वारा नापा जाता है, यानी कि ऑप्शन क्या सही हो गया, सी हो जाता है क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और फिर क्वेश्चन बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब हो जाता है दोस्तों यहां पर, स्पेसिफिक ग्रेविटी को किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नापते हैं, तो वो एरोमीटर के द्वारा नापा जाता है। क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई, सेशन को शेयर कर देना, नमस्कार राहुल, ठीक है। अगला देखिएगा, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है, दाऊलचारा है, मोकोंग कचंग है, वोखा है, या फिर किबिथू हो जाता है। देखो यहां पर मुझे कुछ बताने की, ध्यान से सुनना यहां पर बात मैं क्या कह रही हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे कहता है भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, भारत का उत्तरी बिंदु क्या हो जाता है दोस्तों, वो यहां पर इंदिरा कॉल है, स्पेलिंग थोड़ी सी डिफर कर सकती है लेकिन इंदिरा कॉल है, ठीक है। अगर आपसे यहां पर बात करता है भारत का जो दक्षिणी बिंदु है, क्या, अगर भारत की दक्षिणी बिंदु की जब हम बात करते दोस्तों, तो वो कौन सा हो जाता है, स्थल भूमि का दूसरा होता है, स्थल भूमि ना पूछे तो क्या कहते हैं हम उसे, इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ठीक है, इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पश्चिमी बिंदु की जब हम बात करते हैं, तो पश्चिमी बिंदु किसको कहा जाता है, आपके सर क्रीक को बोला जाता है, जो कि कहां पर पड़ता है, या आपके
यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, गौहर मोती भी हम उसे कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो कि आपके कहाँ पर पड़ेगा, आंसर मुझे सभी बच्चे फटाफट से बताइए, पश्चिमी बिंदु हम लोग यहाँ पर किसको कहते हैं, आंसर क्या है। अगर आपसे यहाँ पर पूर्वी बिंदु पूछा है तो पूर्वी बिंदु क्या है आपका, किबिथु है, ठीक है, क्या है, किबिथु है। किबिथु किस राज्य में आता है दोस्तों, याद रखिएगा ये आपके अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पर आता है, यह आपके अरुणाचल प्रदेश में आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड, गुजरात एकदम सही जवाब है अशोक, गुजरात में जो है आपका पश्चिमी बिंदु पड़ता है, ठीक है, आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और एक बार दम लगा के सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए क्योंकि आपका बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सेशन है। विच लीडर गेव द सीआर फॉर्मूला, यानी सीआर सूत्र जो है किसके द्वारा दिया गया था, सीआर दास के द्वारा, तिलक के द्वारा, श्री राजगोपालचारी के द्वारा, या फिर महात्मा गांधी जी के द्वारा, यह आपका दिया गया था, फटाफट से बताएगा। अगर मैं बात करती हूँ किसकी, सीआर सूत्र की जब हम बात करते हैं तो इसमें आखिर हुआ क्या था, ठीक है, आखिर इसमें हुआ क्या था जो कि हमको समझने वाली बात है, तो ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है दोस्तों। यहां पर कहता है जो आपकी मुस्लिम लीग बनी थी, आप सभी को पता है ये जो आपकी मुस्लिम लीग बनी थी, साथ साथ दोस्तों अगर हम ये भी चीजें यहां पर बात करते हैं, मुस्लिम लीग और साथ ही साथ जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उन दोनों के बीच में अच्छे संबंध को बनाने के लिए किया गया था, और 1944 में जो है आपके महात्मा गांधी जी ने क्या दिया था, इसको स्वीकृति दे दी थी, ठीक है, क्या दिया था, स्वीकृति दी थी। तो किसका फॉर्मूला था, ये सी राजगोपाल चारी जी के द्वारा दिया गया था, यानी कि आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया दोस्तों, एकदम राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसी करेक्ट आंसर। और फिर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाया गया था दोस्तों, तो आंसर करेगा 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, या फिर 11वीं शताब्दी में इसको बनाया गया। अगर मैं बात करती हूं कुतुब मीनार की, तो ये कहां पर आता है, ये नई दिल्ली में पड़ता है, ठीक है, नई दिल्ली में आपका कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत, यानी कि यहां पर इसके परिसर के अंतर्गत जो है ये आपका आ जाता है, ठीक है। आप मुझे बताइएगा कुतुब मीनार का जो निर्माण है, ठीक है, वह किसके द्वारा करवाया गया, इसका मुझे आंसर दे देना फटाफट से बताना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके सामने क्या है, और इसका नाम जो है किस सूफी संत के नाम पे रखा गया, तो आपको याद रखना क्या, कुतुबुद्दीन, ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, याद रखिएगा क्या है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे जो है यहां पर इसका नाम रखा गया था। बताइएगा किस शताब्दी में इसका निर्माण हुआ, फटाफट से बताओ, मिलके सेशन को शेयर कर दीजिए, कुछ लोग सी कुछ लोग बी ये चीजें बोल रहे हैं, तो आंसर 13वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी में दोस्तों इसका निर्माण हुआ था, आंसर देख लीजिए आपके सामने 13वीं शताब्दी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, किस किले को गोल्डन फूट के नाम से जाना जाता है, बताएगा चित्तौड़गढ़ को बोला जाता है, कुंभलगढ़ को, रणथंभौर को, या फिर जैसलमेर में आपका ये स्थित है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गोल्डन फूट की, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको सोनार किला भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, सोनार किला बोलते हैं। सोनार किला कहाँ पर पड़ता है, यह आपकी गोल्डन सिटी में आ जाता है जो कि राजस्थान में है, और गोल्डन सिटी हम किसको कहते हैं दोस्तों, तो यह जैसलमेर को कहते हैं जो कि आपके थार मरुस्थल के बीचों बीच ही आपके आ जाता है, और थार मरुस्थल कहां पर आता है दोस्तों, तो ये आपके राजस्थान में आता है, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है क्वेश्चन का सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। वेरी गुड दोस्तों, एकदम सही जवाब हो जाता है, हाँ जी बिल्कुल सही जवाब है, रणथंभौर जो बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है, तो अनुच्छेद 34 है, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 27, या फिर अनुच्छेद 24 में जो है ये बात कही गई है, क्या कहा गया भैया, 14 साल के बच्चों को, ठीक है, 14 साल के बच्चों को क्या है, किसी भी प्रकार के कारखाने में रोजगार नहीं दिया जाएगा, और जो भी दिया जाएगा वो दंड का पात्र होगा, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, आर्टिकल नंबर 24 आपके सामने बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया, आंसर सही हो जाता है, हाँ राजकुमार है सेशन में, बहुत बढ़िया एकदम, हाँ डेली क्लास आपकी ये चलती है रोजाना 10 बजे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निर्वाचक नामावली को सामान्यता क्या कहा जाता है, ठीक है, जो आपका इलेक्शन कमीशन है, जो आपका मतदाता सूची को निकालता है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर मतदाता सूची भी बोलते हैं, ठीक है, तो मतदाता सूची को अन्य किस और नाम से जानते हैं, सिर्फ इंग्लिश वर्जन ही बता दो तो भी बहुत होगा, क्रम सूची, चुनाव गणना, मतदाता सूची, या फिर चुनाव सूची, सीरियल लिस्ट, इलेक्शन काउंट, वोटर्स लिस्ट, या फिर इलेक्शन लिस्ट हम यहाँ पर बोल
बोलते हैं? फटाफट से बताएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब आप सभी के सामने यहाँ पर क्या होता है। हाँ, मैंने हिंदी में भी लिख के बता दिया, अगर आप सी भी टिक कर देते ना तो वो बिल्कुल सही हो जाता है। ऐसी जो है सूची जहां पर जितने भी लोग हैं जो कि वोट देना उनको बनता है, तो वो कौन जो है नाम जारी करता है, वो आपका निर्वाचक नामावली इलेक्टोरल रोल को हम लोग मतदाता सूची भी कहते हैं। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, एकदम राइट आंसर हो गया, वेरी गुड। लड्डो का भी आंसर यहाँ पर सही आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, जम्मू और कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम आप लोग मुझे बता दीजिए। सकीना इटू, महबूबा मुफ्ती, आशियान नकाश या फिर हीना शफी भट्ट हो जाता है क्वेश्चन का सही जवाब। महिला मुख्यमंत्री की जब हम बात करते हैं, वो भी किसकी अगर हम बात करते हैं, क्या जम्मू और कश्मीर की यहाँ पर बात करी जा रही है, ठीक है? तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर क्या किया गया है, इसको साल 2019 में केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग, केंद्र शासित प्रदेश जो है यहाँ पर इसको बनाया गया है। इसकी राजधानी क्या हो जाती है जम्मू और कश्मीर की, तो श्रीनगर और जम्मू दोनों ही यहाँ पर इसकी राजधानी हो जाती है दोस्तों। यहाँ पर इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है वर्तमान में, तो वो हो जाते हैं आपके मनोज सिन्हा, ठीक है? कौन है दोस्तों, वो आपके मनोज सिन्हा है। यहाँ की जो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो आपकी महबूबा मुफ्ती जी थी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाता है क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है दोस्तों? हाँ, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महादेव पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर आपके मध्य प्रदेश में पड़ती हैं? आंसर मुझे सभी का एक बार में चाहिए, फटाफट से। ब्रजेंद्र है, आकांक्षा है, सचिन है, देवेंद्र है, फटाफट से बताएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर आपके सामने क्या है। महादेव पहाड़ियां दोस्तों ये कहाँ पर भारत के किस राज्य में पड़ती है, तो ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में पड़ती है, ठीक है? मध्य प्रदेश राज्य में पड़ती है और ये आपकी नर्मदा, याद रखिएगा ये आपकी नर्मदा और साथ ही साथ ताप्ती नदी, ठीक है? नर्मदा और ताप्ती नदी के बीचों बीच आपकी महादेव पहाड़ियां स्थित है, तो ऑप्शन आपके सामने क्या सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड इवनिंग सुमित्रा। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, बता देना मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर कौन है। अभी देखो रेलवे के भी एग्जाम में गवर्नर पूछा गया है, कर्नाटका के पूछे गए थे, यहां पर आप पूछा गया है, मैंने क्वेश्चन लाया थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन लाया कि मध्य प्रदेश के जो पहले गवर्नर हैं वो कौन से हैं, आपको क्या पता है तो बताओ। एनएन वाचू है, बीडी शर्मा थे, जीपी सिंह थे या फिर डॉक्टर सितार मैया आपके एमपी के पहले गवर्नर थे, बताएगा सभी लोग मिलके आप इस सेशन को शेयर कर दो, जल्दी जल्दी से बता दो, फटाफट से बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपको याद रखना क्या हो जाते हैं, डॉक्टर सितार मैया आपके मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर हो जाते हैं, जिसको आप लोग याद रखेगा। कब से कब तक थे, तो ये इनका कार्यकाल बहुत छोटा था, 1956 से 1957 तक जो है ये जो है गवर्नर रहे थे एमपी के। क्लियर है चीजें, सभी को याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मिलके भैया सेशन को शेयर करिएगा। रेडक्लिफ रेखा निम्नलिखित में से किसके साथ भारत की सीमा का सीमांकन करती है, बता दीजिए, ये पाकिस्तान के बीच में, बांग्लादेश के बीच में, चाइना के बीच में या फिर नेपाल के बीच में आती है। आप मुझे ये भी बताओ जो कि आपके भारत की जो मैकमोहन रेखा है, ठीक है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है। अगर मैं बात करूं आपसे 38 डिग्री पैरेलल किन दो देशों को विभाजित करती है, तो ये मुझे बता दीजिएगा। बाकी अगर मैं बात करती हूं क्या डूरंड रेखा की, जब हम बात करते हैं तो डूरंड रेखा दोस्तों यह किन दो देशों को विभाजित करती है, तो इसका भी मुझे फटाफट से राइट आंसर आप सभी लोग दो। बहुत बढ़िया, रेडक्लिफ रेखा की जब हम बात करते दोस्तों, तो ये किन दो देशों के बीच में आती है, ये आपके पाकिस्तान देश के बीच में आती है और साथ ही साथ ये आपके भारत के बीच में, ठीक है, पाकिस्तान और भारत के बीच में, किसके बीच में, पाकिस्तान और भारत के बीच में आ जाती है, जिसको आप सभी लोगों को यहां पर याद रखना है। क्लियर है? हाँ, बहुत बढ़िया, आंसर क्या है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में आती है, तो आपको याद रखना है दोस्तों ये आपके भारत और चीन के बीच में, किसके, भारत और चीन के बीच में। 38 पैरेलल आपकी किसके बीच में आती है, आपको याद रखना है ये आपके साउथ कोरिया के बीच में दोस्तों और नॉर्थ कोरिया के बीच में। आप लोग मुझे बताओ दूरंड रेखा जो है किसके बीच में आती है, किन दो देशों के बीच में आएगी। बहुत बढ़िया, आंसर सभी का सही। भैया एक बार पंडित मंजू है हमारे साथ, लक्ष्मी है, राहुल, एक बार मिलके सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पर
हमारा टारगेट तो वैसे 500 प्लस का है, लेकिन आप सभी की भी कोशिश रहेगी तभी ये टारगेट कंप्लीट हो पाएगा। तो मिलके सेशन को शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपने साथ यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करो। देखो भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 22 जून को या फिर 23 दिसंबर को भारत का सबसे छोटा दिन मनाया जाता है। बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके सामने क्या है, जल्दी से बता दो क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाता है, आंसर क्या हो जाता है, 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर। सभी को पता है जो ठंडियों के दिन होते हैं ये छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं, जिसमें से 22 दिसंबर जो है सबसे छोटा दिन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा यहां पर हो जाएगा, मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस या फिर मेडागास्कर है। अगर मैं आपसे बात करती हूँ पूरे विश्व का, ठीक है, याद रखिएगा पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाता है दोस्तों, तो वो आपको याद रखना है, वो आपका ग्रीनलैंड हो जाता है। ठीक है, वो आपका कौन सा है, वो आपका ग्रीनलैंड हो जाता है। दूसरे की अगर हम बात करते हैं दूसरा आपका कौन सा है, तो वो मुझे बताएगा दूसरा आपका कौन सा हो जाता है, न्यू गिनी। ठीक है, क्या हो जाता है, न्यू गिनी यहां पर हो जाता है। अगला देखिएगा, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है, तो वो मुझे आप सभी लोग आंसर दीजिएगा सही जवाब क्या है। ठीक है, जल्दी से बताओ और मिलकर सभी लोग यहाँ पर सेशन को शेयर कर दीजिएगा आंसर क्या है, तो वो मालदीव्स है। क्या है, मालदीव्स आपका एक ऐसा देश है जो कि सबसे छोटा द्वीप देश है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सीमांध्र की नई राजधानी होगी, बता दीजिए या फिर राजधानी है, अमरावती, सिकंदराबाद, विजयवाड़ा या फिर विशाखापट्टनम हो जाता है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बताएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब आपके सामने क्या है। ठीक है, सीमांध्र की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों सीमांध्र कौन से राज्य का नाम है, सीमांध्र आपके आंध्र प्रदेश को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ये आपके आंध्र प्रदेश का दूसरा नाम है। आंध्र प्रदेश की जो वर्तमान की राजधानी क्या हो जाती है दोस्तों, वो आपकी अमरावती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाता है क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। और इसका यहां पर क्या है, इसकी जो पुरानी राजधानी हैदराबाद है दोस्तों, वो हैदराबाद अब किसकी है, ये आपकी तेलंगाना की है, किसकी है, ये आपकी तेलंगाना की हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया, हाँ, आंसर यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, इनमें से किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहला होता है, यहां पर कहां पर होगा। अगर हम कोई चीज स्थान लेते हैं ना, तो चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो जो हमारा मंजिल तक हम पहुंच ही जाएंगे अगर आपकी कोशिश रहेगी। अगर हमारी कोशिश 500 प्लस की है तो वो भी हो जाएगी, चाहे रात के 2-3 भी बच जाएं। तो ये डिपेंड करता है पूरे आपके ऊपर और मेरे ऊपर भी, तो मिलके कोशिश करेंगे तो बिल्कुल होगा। देखो, भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले किस राज्य में होगा, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में होगा, मेघालय में होगा या फिर पश्चिम बंगाल में सबसे पहले सूर्य उदय होता है, बताएगा जल्दी से। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। अरुणाचल प्रदेश क्या है, ये आपके उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाता है, वो आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाती है दोस्तों, याद रखिएगा ईटानगर जो है यहां पर इसकी राजधानी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपके सामने बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बुरजेल दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में या फिर उत्तराखंड में आ जाता है। आंसर सभी लोग बताओ और मिलके भाई सेशन को शेयर कर दीजिए। आंसर आपके सामने यहां पर क्या हो जाता है, बुरजेल दर्रा की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपके उत्तर भारत के जम्मू और कश्मीर में आएगा, यानी कि बी आपके सामने बिल्कुल सही जवाब है। अगर मैं बात कर दूं आपसे, पूछ लूं पिछले साल क्या आया था, लिपुलेख दर्रा पूछा गया था। लिपुलेख दर्रा कहां पर पड़ता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये आपके उत्तराखंड में। ठीक है, ये आपके उत्तराखंड में पड़ेगा। एक और क्वेश्चन आया था, क्या पूछा गया था, नाथुला दर्रा आपसे पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, तो नाथुला दर्रा कहां पर पड़ता है, ये आपके सिक्किम में पड़ जाता है। ये आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पालघाट दर्रा भी पूछा गया था, तो पालघाट दर्रा कहां पर आता है, कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो। ये आपके केरल के और साथ ही साथ तमिलनाडु के बॉर्डर पे स्थित है। ठीक है, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे ये आपका स्थित हो जाता है। क्लियर है चीजें, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। अगला देखना, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, अगर हम ये चीजें यहाँ पर बात करेंगे तो फटाफट से बताओ किसको हम लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं, नैनीताल, शिमला, सिक्किम या फिर माथेरन को बोलते हैं। आंसर सभी का मुझे स्पीड में चाहिए, फटाफट से बताओ, जल्दी से आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दो। लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया क्या पूछ रहा है आपसे दोस्तों, आपसे कह रहा है लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया हम सभी लोग किसको कहते हैं, तो आपको
पता होना चाहिए, ये आपके उत्तराखंड में आ जाती है। उत्तराखंड में कौन से डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं? तो ये नैनीताल को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो है लेक्स आ जाएंगे। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। क्लियर है चीजें? हाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट है आप सभी के सामने। वेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश से किम, गोवा या फिर ये मेघालय में आ जाएगी? बताइएगा यहाँ पर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपके सामने क्या है। वेनिया जलप्रपात की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये वेनिया जलप्रपात कहाँ पर आता है? ये आपके मेघालय में आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मेघालय की जब हम बात करते हैं दोस्तों, मेघालय की जो राजधानी क्या हो जाती है? आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में सभी का चाहिए। मेघालय की व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मेघालय, आंसर मुझे सभी का चाहिए कमेंट सेक्शन में। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? नैनीताल है, लोकटक है, कोलेरू है या फिर पगोंग तसो? आपके सामने बिल्कुल राइट आंसर होंगे, जल्दी से बताएगा आंसर वो। अभिषेक है, अंबुज है, लाडो है, जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपके सामने क्या हो जाएगा। तो नैनीताल, लोकटक और कोलेरू क्या है? ये तीनों ही आपकी ताजे पानी की झील है, याद रखिएगा ये तीनों झीलें ताजे पानी की झील है। कौन सी नहीं है? तो वो आपकी पगोंग तसो है, यानी कि ऑप्शन सही क्या हो गया? डी हो जाता है आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। पगोंग तसो झील कहां पर आती है दोस्तों? तो ये आपकी उत्तर भारत में पड़ती है। कहां पर? ये आपके उत्तर भारत में पगोंग तसो झील जो है पड़ जाती है। और यहां किस कहां पर पड़ती है? तो ये आपके भारत और चीन के बॉर्डर पर, ठीक है, भारत और चीन के बॉर्डर पे जो है यह आपकी झील स्थित हो जाएगी। आंसर क्या हो गया आप सभी का? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला देखो, विंध्यश्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है? तो गुजरात में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है या फिर ये आपके राजस्थान में स्थित नहीं होंगी? फटाफट से बताएगा इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपके सामने क्या है। विंध्यश्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए ये आपके गुजरात में नहीं है। कहाँ पर नहीं है? ये आपके गुजरात राज्य में जो है स्थित नहीं होती। विंध्यश्रेणी की जब हम बात करते हैं तो ये चीज आपको याद रखनी है, विंध्यश्रेणी क्या करती है? ये दक्षिण भारत को, ठीक है, याद रखिएगा क्या, दक्षिण भारत को उत्तर भारत में, उत्तर भारत को दक्षिण भारत और उत्तर भारत को अलग करने का यह काम करती है, यानी कि गुजरात हो जाता है आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से नहीं लगती? तो बता दीजिए कौन सा देश है जो यहाँ पर इसके साथ सीमा साझा नहीं करता है? कंबोडिया, लाओस, वियतनाम या फिर म्यांमार इसके सामने साझा नहीं करता? वैसे तो म्यांमार इसके सामने जो है साझा करता है, भारत जो है यहाँ पर इसके साथ सीमा को साझा करता है, भूटान भी इसके साथ जो है सीमा को साझा करता है, वियतनाम साझा करता है, लाओस जो है यहाँ पर दोस्तों इसके साथ सीमा को साझा करता है। ठीक है, कौन सा नहीं करता? तो वो आपके सामने कंबोडिया जो है चीन देश के साथ सीमा नहीं लगाता। चाइना की जब हम बात करते दोस्तों, चीन की राजधानी क्या हो जाती है? बीजिंग यहाँ पर इसकी राजधानी है। चाइना की जो है यहाँ पर इसकी करेंसी क्या चलती है? तो रेनमिन भी जो है यहाँ पर इसकी करेंसी हो जाती है। एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लोग लिख के बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। थार है, गोबी है, तकला मकान है या फिर काराकुम? आपके सामने बिल्कुल सही जवाब होगा। ऐसा कौन सा आपका डेजर्ट है जो कि सबसे बड़ा डेजर्ट हो जाता है? फटाफट से बताओ। हाँ, आंसर दीजिएगा कौन सा डेजर्ट है जो कि सबसे बड़ा एशिया का डेजर्ट है, वो कौन सा है? वो आपका गोबी डेजर्ट आपके सामने बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, गोबी सही जवाब है। गोबी डेजर्ट कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है, ये आपके मंगोलिया और चीन में पड़ेगा। कहाँ पर पड़ता है? ये संयुक्त रूप से मंगोलिया और चीन दोनों ही देशों में ये पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है आप सभी के सामने, समुद्र स्तर पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? बताओ, 250 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। फटाफट से बताएगा राइट आंसर आपके सामने क्या है। समुद्र तल पर अगर है, हम बॉईल करते हैं किसी भी चीज को या फिर पानी को हम कटोरे में लेके भी बॉईल करें, तो जब उसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है तभी वो बॉईल होता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आंसर सही है, अरविंद का भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सापेक्षता के सिद्धांत की खोज दोस्तों किसके द्वारा करी गई? आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, नील बोर या फिर माइकल फैराडे के द्वारा इसकी खोज करी गई थी? तो फटाफट
से बताएगा राइट आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा। सापेक्षता के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जब हम बात करते हैं दोस्तों, ये किसके द्वारा दी गई थी, तो ये आपकी अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। किसके द्वारा, ये आपको याद रखना है, ये जो थ्योरी है ये आपके अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दोस्तों दी गई थी, आपकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड, आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखेगा, यदि एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है तो इसे डैश कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, एक बार बताएगा, यूनि प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसर, दोहरी प्रोसेसर या फिर क्वाड कोर प्रोसेसर हो जाता है। प्रोसेसर की जब हम बात करते हैं तो कंप्यूटर में जितने भी काम वगैरह होते हैं उसका इंस्ट्रक्शंस कौन करता है, यानी कि जो क्वालिटी होती है कंप्यूटर की किस पे डिपेंड होती है, प्रोसेसर पे डिपेंड होती है। जैसे इंटेल हो गया, अगर एएमडी प्रोसेसर हो गया, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, ये आपके प्रोसेसर्स होते हैं। ये क्या बताता है, ये जो आपके लैपटॉप है, पीसी वगैरह है, कंप्यूटर वगैरह है, इसकी फास्ट वर्किंग पे डिपेंड करता है, यानी जितना बढ़िया प्रोसेसर उतनी फास्ट वर्किंग। आंसर क्या हो गया, इसको हम लोग मल्टी प्रोसेसर कहते हैं, जिसके पास एक से अधिक प्रोसेसर है वो आपका मल्टी प्रोसेसर हो जाता है। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखो, पाइनएप्पल क्या है, आप बताइए अनानास क्या है। आप ये मत बता देना कि अनानास एक फ्रूट होता है, क्वेश्चन के ऑप्शंस के हिसाब से बताना यहाँ पर क्या है, मरुद्भिद है, आर्द्रतोभिद है, समुद्रभिद है या फिर हाइड्रोफाइट हो जाते हैं, आपके क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर क्या, अनानास की जब हम बात करते हैं तो अनानास फल तो ये आपका है ही, ठीक है, लेकिन इसका जो उत्पादन है वो कहाँ पर होता है, ये कहाँ पर होता है, ये आपके दोस्तों शुष्क वातावरण में, यानी कि जहां पर जो है सूखा वातावरण होता है ये वहां पर होगा। आंसर क्या हो गया, ये आपका एक प्रकार का जेरोफाइट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम की मूल संलाशात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई जो है कौन सी होती है। अगर हम किसकी बात करते हैं, अगर हम दोस्तों यहां पर नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तो नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाती है, बताएगा सेरेब्रम, नेफ्रॉन, सेरिबेलम या फिर न्यूरॉन हो जाते हैं, आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत बढ़िया, हाँ सभी का जवाब यहाँ पर सही है। अगर हम बात करते हैं, अगर हम पूरा पूरा ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, तो ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, सेल होती है। सेल का जो नाम है यानी सेल टर्म सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, तो ये आपके रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वो आपकी न्यूरॉन होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया, लाजवाब आंसर है आप सभी का। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहने वाली नदी हो जाती है, नहीं है, कहां पर ये नहीं बहेगी, केन्या में, मिश्र में, अल्जीरिया में या फिर तंजानिया में जो है ये नहीं बहती। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या अगर हम नीली नील की जब हम बात करते हैं, क्या नीली नील का उद्गम किस झील से होता है, तो आपको याद रखना है ताना झील से। क्वेश्चन पूछा जाता है नीली नील का उद्गम किस झील से है, तो ताना झील से होता है। नीली नील किस देश में बहने वाली नहीं नदी है, तो बताइए नीली नील क्या है, ये आपके पूरे विश्व भर में, ठीक है, याद रखिएगा, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर है, यानी विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो आपकी नीली नील है। आंसर दीजिएगा यहाँ पर, राइट आंसर आपके सामने क्या है, फटाफट से बता दो। बहुत बढ़िया, आंसर क्या हो जाता है, एकदम यहाँ पर आप लोग जो है एक भी आंसर आपका सही नहीं आ रहा, क्या है, अल्जीरिया आपके सामने बिल्कुल सही जवाब है। तो केन्या, मिश्र, तंजानिया ये सभी सही है, क्या नहीं सही होगा, तो अल्जीरिया से जो है यह प्रवाहित नहीं होती है। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही है। एक बार सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर सेशन को लाइक और शेयर फटाफट से कर दो, ठीक है, सभी लोग यहाँ पर सेशन को लाइक और शेयर फटाफट से करिए। अगला क्वेश्चन देखेगा, कोलेरू लेक जो है ये कहां पर आती है, तो ये केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर ये उत्तराखंड में आ जाएगी, ठीक है, कहां पर, या फिर ये आपके उत्तराखंड में आ जाती है, तो बताएगा इसका राइट आंसर क्या है। कोलेरू झील की जब हम बात करते हैं तो ये कहां पर पड़ती है दोस्तों, ये आपके दक्षिण भारत में, ठीक है, कहां पर पड़ेगी, ये आपके दक्षिण भारत में पड़ती है। अब जो है ध्यान से सुनना मेरी बात क्या है, अगर आपसे कहते हैं ये किस राज्य में आती है, तो ये आपके आंध्र प्रदेश में आ जाती है। आंध्र प्रदेश की जब हम बात करते हैं, तो क्या आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका गठन सबसे पहले किसके आधार पर, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, वो आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है, कौन सा है, वो आपका आंध्र प्रदेश है। तो ऑप्शन क्या सही हो गया, आंध्र प्रदेश, यानी कि बी आपके सामने बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है क्वेश्चन का सही जवाब। बहुत बढ़िया, कैंडी आप गलत बता रहे हो, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अगला देखो, चूलिया जलप्रपात डैश में चंबल नदी पर स्थित है, चूलिया जलप्रपात किस भारत के किस राज्य में पड़ेगा, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर आपके गुजरात में पड़ जाता है दोस्तों, तो आंसर दीजिए फटाफट से, जल्दी से बताओ।
हाँ जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आपके सामने क्या है। चुलिया जलप्रपात कहाँ पर आएगा, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, या फिर ये आपके कहाँ पर आ जाता है? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके सामने क्या है, या फिर ये गुजरात में पड़ जाता है? फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आपके सामने क्या है। चंबल नदी पर जो है यह आपका बना हुआ है। अगर हम बात करते हैं चुलिया नदी की तो ये किस नदी पर बना हुआ है, चुलिया जलप्रपात की तो ये आपकी चंबल नदी पर बना है। चंबल नदी पर किस राज्य में पड़ता है तो ये आपके राजस्थान में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाता है क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब। ठीक है आंसर क्या हो गया एक बार बता दीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर ये रहा, आंसर दीजिए यहाँ पर राइट आंसर जो है आपके सामने क्या है, फटाफट से बताओ और जल्दी से मुझे आंसर दीजिएगा। सही जवाब क्या है कि हु प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंट, शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत किसने जो है प्रतिपादित किया था? फटाफट से बताना, सभी लोग यहाँ पर सेशन को शेयर कर दो। बाल गंगाधर तिलक ने, अरविंद घोष ने, लाला लाजपत राय, या फिर बिपिन चंद्र पाल ने डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंट का जो है यहाँ पर दिया था? तो आंसर मुझे सभी बच्चों से फटाफट से चाहिए। अगर हम बात करते हैं शांतिपूर्ण प्रतिरोध यानी कि जिसकी हम बात कर ले सत्याग्रह की, नॉन वायलेंस की जब हम बात करते हैं तो किसने यहां पर इसको शुरू किया, प्रतिपादित आपके अरविंदो घोष के द्वारा किया गया था, यानी कि आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। और आप सभी को पता है नॉन वायलेंस की जो सबसे बड़ी मूर्ति हमारे भारत में रहे हैं वो आपके कौन है, महात्मा गांधी जी रहे हैं। ठीक है वो कौन है, महात्मा गांधी जी भी रहे हैं, इनको तो हम कभी भी नहीं भूलेंगे, मरते दम तक नहीं बोलेंगे। आंसर बताएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आंसर करिएगा क्या है। 1947 में हैदराबाद का निजाम निम्न में से कौन सा था? तो फटाफट से बताओ ऐसा कौन सा निजाम था जिससे जो है भारत सरकार के द्वारा किसको अंदर किया गया था, हैदराबाद को जो है भारत में विलय कर दिया गया? मीर महबूब अली खान है, अली उस्मान अली है, अकबर अली खान, या फिर नासिर जंग जो है? आंसर हो जाते हैं क्वेश्चन का, फटाफट से बताओ। मिलके सभी बच्चे यहां पर सेशन को लाइक और शेयर भी करिए। आंसर जो है आपके सामने क्या है फटाफट से बताना और मिलके जल्दी से आप सभी लोग क्वेश्चन का सही जवाब दो। 1947 में हैदराबाद का निजाम कौन था? तो वो आपके उस्मान अली थे। ठीक है और उस्मान अली का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम जो है उस्मान अली खान जो है इनका पूरा नाम हो जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद आ जाती है? तो बताइएगा इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपके सामने क्या है। ठीक है जल्दी से बता दो। चलो जूम कर ही देते हैं, वैसे मैंने पढ़ा नहीं था आपका कमेंट। देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, देखो निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद आ जाएगी? चाइना में है, यूके में है, जापान में है, या फिर इंडिया में सबसे बड़ी संसद आ जाती है? आंसर दीजिएगा और सभी लोग यहाँ पर सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपके सामने क्या हो जाता है। ठीक है अगर मैं बात करती हूँ दुनिया की सबसे बड़ी संसद की, ठीक है किसकी बात करें, दुनिया की सबसे बड़ी संसद की जब हम बात करते हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी संसद जो है किस आपके देश की हो जाती है? आपको याद रखना है यह चीन देश की है। किसकी है? ये चीन की हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चीन की, जब हम बात कर ले तो चीन से आपको याद रखना है इसकी जो सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करते हैं जो चीन की है वो कौन सी है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप सभी लोग। यांगत्सी नदी, ठीक है यांगत्सी नदी आपकी एशिया की भी सबसे लंबी नदी है और ये आपकी चाइना की भी सबसे लंबी नदी यहाँ पर हो जाती है। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए ही आपके सामने बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है, बहुत बढ़िया आंसर हो गया आप सभी का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 2011 की हम बात करते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों भारत की जो साक्षरता दर थी वह कितनी हो जाती है? आंसर दीजिएगा यहाँ पर क्या है, 74.74% है आपके सामने, 81.5%, 61%, या फिर 72% हो जाता है क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है या फिर 62% सॉरी यहाँ पर 72% हो जाएगा क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर। तो फटाफट से बताना इसका सही जवाब आपके सामने क्या हो जाता है, जल्दी से बता दो। तो बहुत बढ़िया, साम बात करते साल 2011 की, तो 2011 में हमारे भारत का जो लिटरेसी रेट था वो कितना था, 74.0%, यानी कि 74% यहां पर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया एकदम सही जवाब है आप सभी का।
अगला क्वेश्चन देखो, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जन्म दर जो है न्यूनतम है, अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, क्या बात करते हैं, जन्म दर की बात करते हैं जो आपकी न्यूनतम हो जाती है, तो फटाफट से बताएगा इसका सही जवाब। और भाई सिर्फ लड़ाई झगड़े पे ध्यान मत दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्या है, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर ऑप्शन नंबर ई, आप सभी लोग सिक्किम भी यहाँ पर ऐड करिए, ठीक है, या फिर सिक्किम भी ऐड करिए अगर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से बात करते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका पुराना क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से आपको यहाँ पर आंसर देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन आ चुका है, और वर्तमान भी बताएगा कि किस राज्य में जन्म दर जो है कितनी हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है, तो फटाफट से बताएगा इसका राइट आंसर आपके सामने क्या हो जाता है, पुराना क्वेश्चन है तो पुराने क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना यहाँ पर क्या हो जाएगी आपके सामने, केरल जो है, अगर हम पुराने क्वेश्चन के हिसाब से बात करते हैं तो पुराना ये जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आंसर क्या था, केरल जो है आपके सामने यहाँ पर आंसर हो गया था, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका केरल जो है हो जाएगा। अगर हम वर्तमान की अगर हम बात कर लेते तो वर्तमान में जो है अगर आप देखेंगे तो कहाँ पर पाई जाती है, सिक्किम में जो है पाई जाती है सबसे कम जो है जन्म दर, ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ लीजिएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है सीका की जब हम बात करते हैं, सॉरी साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल, यानी कि अगर हम बात करते हैं कोशिका की, ठीक है, कोशिका लिखा हुआ है यहाँ पर, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, फटाफट से बताएगा राइट आंसर क्या हो जाता है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी या फिर टैक्सोनॉमी बोला जाता है, फटाफट से बताएगा आंसर यहां पर क्या हो जाता है, और मिलके सभी बच्चे यहां पर सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो। साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल यानी कि कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों, साइटोलॉजी कहते हैं, और अभी जिस मैंने आपको पढ़ाया था ये जो आपका सेल टर्म है, ठीक है दोस्तों, ये जो आपका सेल टर्म है ये सबसे पहले किसने यूज किया था, तो ये आपके रॉबर्ट हुक के द्वारा, किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा सबसे पहले इसका जो है इस्तेमाल किया गया था, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया, साइटोलॉजी एकदम राइट आंसर है आप सभी का। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, तो बताएगा इसका भी राइट आंसर आपके सामने क्या, जल्दी से बताओ, हाँ फटाफट से बताइए, और मिल के सभी लोग यहाँ पे सेशन को शेयर कर दो, एटलीस्ट यहाँ पर 400 प्लस स्टूडेंट्स को मुझे दिखने चाहिए, अगर आप लोग 500 नहीं कर सकते तो एक बार दम लगा के भैया सेशन को शेयर करिए, 400 प्लस यहाँ पर हम लेके जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, तो बैक्टीरिया नहीं है, वायरस नहीं है, कवक नहीं है, या फिर पौधे हो जाएंगे आपके क्वेश्चन का सही जवाब, फटाफट से बताओ दोस्तों और आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का, जो सही जवाब है वो आपके सामने क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया, वायरस, कवक या फिर पौधे, फटाफट से बताएगा राइट आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा। तो देखिएगा आपके जो है सेशले और स्वान ने क्या दी थी, सेल थ्योरी दी थी, ठीक है, क्या दी थी इन्होंने, सेल थ्योरी दी थी, और सेल थ्योरी में इन्होंने बताया था कि सेल थ्योरी में क्या क्या आ जाते हैं, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आ जाते हैं, जैसे कि क्या, जैसे आपके पेड़ पौधे हो गए, पशु हो गए, मानव हो गए, ठीक है, ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो यहां पर क्या नहीं आएगा, तो वायरस आपके सामने सही जवाब है, क्योंकि ये क्या है, ये आपका नॉन लिविंग भी हो जाता है और साथ ही साथ ये लिविंग भी है, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम ये चीज यहां पर कह सकते हैं, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है दोस्तों, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी हो जाते हैं क्वेश्चन का सही जवाब, लिविंग एंड नॉन लिविंग, इसको हम एक कनेक्शन के रूप में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब ये व्यक्ति के शरीर में आता है तब ये लिविंग होगा, जब व्यक्ति के शरीर के बाहर होता है तब ये नॉन लिविंग का काम करता है, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक संगीत वाद यंत्र है, तो तारिये है यहाँ की, इसमें स्ट्रिंज लगी होती है, विंड है, अवनंद यानी कि मेम्ब्रेन हो जाता है, या फिर प्लेट आपके सामने बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, या फिर प्लेट जो है दोस्तों आपके सामने यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, तो फटाफट से बताएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर जो है आपके सामने क्या है, और मिलके सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। तो ये चिंकारा जो है आपको याद रखना है, ये एक स्ट्रिंज इंस्ट्रूमेंट है,
इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों ये इस्पात के द्वारा, किसके द्वारा होता है? इस्पात के द्वारा इसका जो है निर्माण होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रिंज की, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? राजस्थान में इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही साथ ये आपके मध्य प्रदेश में, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही जगहों पर इसको संयुक्त रूप से इस्तेमाल किया जाता है। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए ही आपके सामने बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड, स्ट्रिंज इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। बिल्कुल सही, पोंगल चौथा दिन क्या कहलाता है? जो पोंगल का जो आपका त्योहार है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, पोंगल त्योहार जो है कितने दिनों तक मनाया जाता है? ये आपके 4 दिनों तक। कितने दिनों तक दोस्तों? आपके 4 दिनों तक यह मनाया जाता है। 4 दिनों तक कहां पर मनाया जाता है दोस्तों? ये आपके तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। तो चौथे दिन की अगर हम बात करते हैं, चौथे दिन को किस नाम से पुकारते हैं? फटाफट से बताएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर आपके सामने क्या है, जल्दी से बता दो। सभी लोग मिलकर आप सेशन को शेयर कर दीजिएगा। तो चौथे दिन को हम क्या बोलते हैं? कानुम पोंगल बोलते हो। क्या बोलते हैं दोस्तों? कानुम पोंगल यहाँ पर इसको बोला जाता है, ठीक है। पहले दिन को क्या बोलते हैं? भोगी पोंगल, ठीक है। पहले दिन को क्या बोलते हैं दोस्तों? भोगी पोंगल यहाँ पर बोला जाता है। अगर हम बात करते हैं तीसरे दिन की, तो तीसरे दिन को क्या बोलते हैं? मट्टू पोंगल बोलते हैं। दूसरे दिन को थाई पोंगल बोलते हैं। चौथे दिन को कानुम पोंगल बोला जाता है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय घोषित किया गया है? हिंदी, मराठी, पाली या फिर ओडिया? अगर हम बात करते हैं आपके भारत की शास्त्रीय भाषाओं की, किसकी? आपके भारत की शास्त्रीय भाषाओं की जब हम बात करते हैं तो कितनी भाषाएं हो जाती है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर संस्कृत लिखेंगे, संस्कृत भाषा हो जाती है, ठीक है। कन्नड़ भाषा हो जाती है, मलयालम भाषा, ठीक है, आप लोग भी मुझे बताइएगा, मलयालम भाषा हो जाती है, उड़िया भाषा हो जाती है, और आपकी कौन सी भाषा बची है? दो, तो उनका भी आंसर आप सभी लोग मुझे फटाफट से बताएगा। एक आपकी तमिल हो जाती है, तमिल भाषा है, और एक आपकी दोस्तों तेलुगु भाषा है। तो तमिल और तेलुगु भाषा दोनों आपकी यहां पर प्राचीन भाषा है। किसको क्या माना गया है? एक प्राचीन भाषा माना गया, तो उड़िया भाषा को यहां पर माना गया था। क्लियर है चीजें सभी को? ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है क्वेश्चन का यहां पर सही जवाब। क्लियर है चीजें? बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन का यहां पर सही जवाब। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इस क्वेश्चन को पढ़ के आप सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर दीजिएगा। यहाँ पर सही जवाब आपके सामने क्या हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो आपके सामने क्या हो जाता है, इसका भी फटाफट से सही जवाब दीजिएगा। राइट आंसर जो है आपके सामने क्या है, ठीक है। चलिए एक मिनट, कुछ यहाँ पर अनवॉन्टेड लोग हैं तो उनको हटाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कभी कभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, और एक दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर ये आ जाती है कि कुछ ही स्टूडेंट जो है आज अपना टारगेट को पूरा करने में जो है मदद कर सकते हैं। सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर सेशन को, चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार सभी स्टूडेंट मिलकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो है हमारे आज का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी बच्चे हैं फटाफट से जितने भी स्टूडेंट आज हमारे चैनल पर नए आए हो, एक बार दम लगा के जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पर सेशन को शेयर कर दो और लाइक कर दो। वैसे शेयर और लाइक तो नहीं करते, तो सब्सक्राइब ही कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें आपका ही फायदा है, ठीक है। सब्सक्राइब करोगे तो इसमें आपका ही फायदा हो जाता है, आपको आने वाले जितने भी क्लासेस है सबके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आने वाले सारे अपडेट, सारे नोटिफिकेशन, जितने भी इवेंट होते हैं, जितने भी एनालिसिस वगैरह होते हैं, अगर आपको उनका अपडेट चाहिए तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो एक बार सभी लोग मिलकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, द साइलेंट क्राई के लेखक या फिर लेखिका कौन है? तो हारुकी मुराकामी है, केंजाबुरु ओए है, जॉन मिल्टन है, या फिर माइकल मधुसूदन हो जाएंगे क्वेश्चन का राइट आंसर। फटाफट से बताओ, और एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी बताना कि कितने लोगों ने यहाँ पर सब्सक्राइब कर दिया, जिससे मैं आपको पर्सनली थैंक यू भी बोल सकूं। तो फटाफट से एक बार बताना कि किसने किसने चैनल को सब्सक्राइब किया है। हाँ, सभी को नमस्ते है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का, फटाफट से बता दीजिएगा। इसका राइट आंसर आपके सामने
सामने क्या है, तो द साइलेंट क्राई के लेखक कौन है, केंजाबुरु ओए हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन क्या सही है, बी हो जाता है क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ पीडीएफ भी मिल जाएगा, लेकिन आपको सेशन को जो है शेयर करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, सभी का नाम पढ़ा जाएगा कि किसने किसने सब्सक्राइब किया है, उन्हीं को सिर्फ पीडीएफ हम देंगे। अगला क्वेश्चन देखना, बगलीहार बांध किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है, ठीक है, जितने सब्सक्राइबर्स हैं उन सारे सब्सक्राइबर्स को पीडीएफ फ्री में दिया जाएगा, आंसर बताएगा यहाँ पर क्या हो जाता है। अच्छा प्रजापति जी थैंक यू सो मच, ब्रिजेंद्र ने कर दिया है, इनको भी थैंक यू, जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया सभी को थैंक यू सो मच है। अब मुझे बता दो इसका राइट आंसर क्या है, सिंधु नदी, चेनाब नदी, सतलज नदी या फिर रावी नदी, आपके सामने बिल्कुल सही जवाब होंगे। अब मिलके आप सभी लोग सेशन को शेयर भी कर दो, जिसने भी यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। बगलीहार बांध किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है, सिंधु नदी, चेनाब नदी, सतलज नदी या फिर रावी नदी हो जाएंगे क्वेश्चन का सही जवाब। हाँ बिल्कुल सही, मेडिटेशन बाय ऋषभ थैंक यू सो मच, जिसने भी यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। भाई जिसने नहीं किया अभी भी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग सेशन को जो है शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे जो है आज का जो हमारा टारगेट है एटलीस्ट वो तो कम से कम कंप्लीट हो जाए। आज अपनी दिन की लास्ट क्लास है, तो आपका भी बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा टारगेट यहाँ पर पूरा हो जाए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर क्या है, और इस क्वेश्चन को पढ़ के आप सभी लोग मुझे राइट आंसर दीजिएगा। सही जवाब आपके सामने क्या हो जाएगा, भारत द्वारा 1975 में लॉन्च किए गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है, बताओ पाणिनी है, आर्यभट्ट है, चरक है या फिर सुश्रुत हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। हाँ थैंक यू सो मच लक्ष्मी, आंसर दीजिए यहाँ पर क्या हो जाता है, भारत द्वारा 1975 में लॉन्च किए गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है, पाणिनी, आर्यभट्ट, चरक या फिर सुश्रुत हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। वेरी गुड, एकदम राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है, एकदम सही जवाब है, आर्यभट्ट हो जाते हैं क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है, आर्यभट्ट हो जाते हैं क्वेश्चन का सही जवाब। तो ये था दोस्तों आज का आपका सेशन, जिसमें हमने करीबन 48 क्वेश्चंस को जो है यहाँ पर अपना पढ़ा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जितने भी बच्चों को यहाँ पर सब्सक्राइब किया सबका नाम लिखा जाएगा और उन्हीं बच्चों को जो है इस क्लास की पीडीएफ जो है मिलेगी। अभी अपने त्यागी सर की जो भी क्लास हुई थी उनकी पीडीएफ सिर्फ उन्हीं बच्चों को ही मिलेगी, और जितने स्पेशल सेशन होते हैं पूरे दिन में जितने स्पेशल सेशन होते हैं सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स को ही यहाँ पर पीडीएफ दी जा रही है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लेना, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पर याद रखेगा क्या, अगर आपको देखना है हमारी जो ये क्लास है, क्लास की आप लोग याद रखेगा, जितने भी बच्चे यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, देख लो यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए जितने भी बच्चे स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं उनको कितने बजे आना है चैनल पर, दोपहर 2 बजे आना है और साथ ही साथ रात में 10 बजे। अपने सेशन का टाइमिंग याद कर लो, रट लो, इसको भूलना बिल्कुल भी मत। क्या यहाँ पर हो जाता है, दोपहर में 2 बजे और साथ ही साथ रात में 10 बजे की दोनों टाइमिंग्स में जो है यहाँ पर आपको इस चैनल पर मौजूद होना है। तो इसको आप लोग याद रखिए, दोपहर 2 बजे, रात में 10 बजे, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दीजिएगा, पीडीएफ हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको, हमारे चैनल पे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। तो सभी लोग जो है यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी बच्चों को बेसिक टू एडवांस लेवल की यहाँ पर सारी थ्योरी वाइज क्लासेस चाहिए, बेसिक टू एडवांस लेवल का सारा कंटेंट पढ़ना, बाइलिंगुअल पीडीएफ अगर आपको चाहिए और साथ ही साथ फ्री के मॉक टेस्ट भी अगर आपको यहाँ पर लगाने हैं, तो आपको क्या करना है, हमारे प्रेपकर की मोबाइल एप्लीकेशन को जो है दोस्तों डाउनलोड कर लीजिएगा। इस डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे फ्री का कंटेंट दिया जा रहा है, फ्री में मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको फ्री में दी जा रही है। तो जितने भी बच्चों ने प्रेपकर की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, आज ही जाके प्रेपकर की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, जिसमें लेटेस्ट पैटर्न यहाँ पर सारे मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल करा रहे हैं और एकदम न्यू है, यानी अभी अभी तुरंत जो है यहाँ पर इसको लॉन्च किया जा रहा है, तो नई चीज है, अभी के अभी जो है इसको डाउनलोड कर लेना। और हमारा जो दहाड़ बैच है हमारे इस यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, जो कि मात्र कितने का यहाँ पर है, आपका सिर्फ और सिर्फ 399 का है, तो 399 में खरीद लो, नहीं तो 999 का हो जाएगा बहुत जल्द। 399 में बहुत कम प्राइस है, इसको आज के आज ही बाय कर लेना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लियर है चीजें। चलो फिर क्लास की टाइमिंग आप लोग याद रखिएगा, रोज रात 10 बजे और दोपहर में 2 बजे। बाकी सारी क्लासेस का टाइम टेबल आपको पता ही है, एक सेशन हुआ था जिसमें टाइम टेबल अनाउंस किया गया है, तो उसको सभी लोग देख लेना जिसको भी टाइम टेबल नहीं पता है, क्लियर है। चलो फिर आज के सेशन को हम लोग यहीं पर रखते हैं, सेशन का टाइम अब एंड होने वाला है। अगली क्लास जो है वैसे 11 बजे शायद तो कोई क्लास नहीं है, लेकिन आप देख लेना, अगर इवेंट लगा होगा तो क्लास हो जाएगी, वैसे तो शायद नहीं है। चलिए फिर आज के सेशन को हम लोग यहीं पर रखते हैं, अब मिलते हैं कल दोपहर 2 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, गुड नाइट।